आज का हमारा वीडियो है एक छोटे से टॉपिक, ह्यूमैनिटीज एक स्टूडेंट को क्यों लेना चाहिए, क्यों 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 क्यों, क्यों? हेलो बच्चों, आई एम आमिर फ्रॉम एमिनेंस एजुकेशन। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमैनिटीज। पहले के टाइम पर अगर हम देखते तो एक बच्चा आफ्टर 10th क्लास इधर ही ऑप्ट फॉर अ साइंस और ही ऑप्ट फॉर अ कॉमर्स स्ट्रीम। अगर वो सारे बच्चे जिन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जाते थे, एंड वो सारे बच्चे जो इधर दे वॉन्ट टू परस्यू देयर फैमिली बिजनेस और दे वॉन्ट टू डू चार्टेड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी, वो कॉमर्स की तरफ जाते थे। पर आज के एरा में एक नई स्ट्रीम उभरती हुई आगे आ रही है जिसे बहुत विलिंगली स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नाउअडेज टॉपर ऑफ स्कूल आर सिलेक्टिंग ह्यूमैनिटीज एज देयर प्राइमरी सब्जेक्ट। सो आज मेरे दिमाग में, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न जाग रहा है कि ह्यूमैनिटीज का आगे फ्यूचर क्या है। दैट इज, अगर हमारा बच्चा ह्यूमैनिटीज ले लेता है तो उस ह्यूमैनिटीज के बाद वो बच्चा आगे जाकर क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्या परस्यू करेगा। इसी छोटे छोटे प्रश्नों को क्लियर करने के लिए आज मेरे साथ एक यूपीएससी एक्सपर्ट मिस्टर अमित मंडलोई जी हैं, जो हमें आज थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज के बारे में बातें बताएंगे। हेलो, वेलकम अमित सर। थैंक यू। देखिए, ह्यूमैनिटीज जो है उसमें बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं अंदर ही। जैसे कि जब ह्यूमैनिटीज़ की हम बात करते हैं तो हम एक एक सब्जेक्ट लेकर के उसके स्कोप हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे दिमाग में ह्यूमैनिटीज़ आता है तो सिविक्स, जिसको आप 10th के पहले सिविक्स के नाम से जानते हैं, बाद में उसी सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, वो सब्जेक्ट हमारे दिमाग में आता है। उसका एक अच्छा खासा स्कोप आपको देखने को मिलता है। जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आगे करियर में परस्यू करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे राजनेता की तरफ बढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं। जैसे आपने प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो इज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। ऐसे ही बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको उसमें मिलेंगे जो आप पॉलिटिकल फील्ड अगर आप चूज करते हैं आगे जा करके। तो इसके अलावा दूसरी फील्ड जो आपकी फेमस फील्ड है, दैट इज सोशियोलॉजी। अगर सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आप लेते हैं तो आज का एक नया ट्रेंड है बिजनेस में भी कि आपको मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से सब्जेक्ट के साथ में आप मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं, और उसके लिए अच्छा स्कोप भी है। मार्केट एनालिसिस की एक अच्छी जॉब भी आपको आप परस्यू कर सकते हैं एज ए करियर ऑप्शन आगे जा करके। समाज को समझना, अपने आप को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के दौर में। डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ बहुत सारी जगह पर चल रही है, स्टूडेंट लाइफ में तो खासकर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट अगर आप परस्यू करते हैं तो आप खुद का तो डिप्रेशन दूर कर ही पाएंगे और साथ ही साथ दूसरों की भी डिप्रेशन आप दूर कर सकते हैं। मतलब कि आप क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट का जॉब जो है वो परस्यू कर सकते हैं, उस करियर में आप आगे अपना दिमाग जो है लगा सकते हैं और बढ़ सकते हैं। मतलब अमित सर, साइकोलॉजी ना कि मुझे एक एकेडमिक्स बेनिफिट दे रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे एक शायद मेंटल पीस भी देगा। बिल्कुल, ये पर्सनल स्टूडेंट्स की आज एक छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे आपने डिप्रेशन डिस्कस किया, आई थिंक ये एक बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती थी सर, शायद सब्जेक्ट एंड एजुकेशनल प्रेशर की वजह से ये एक नई बीमारी क्रिएट हो गई है जो पढ़ते पढ़ते ही जिसका सोल्यूशन मिल रहा है साइकोलॉजी के अंदर। बिल्कुल, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, आपके करियर के लिए बेनिफिशियल है और आपके खुद के लिए भी बेनिफिशियल है। साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट मेंटल डिप्रेशन, उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आपका एटीट्यूड किस तरीके से रहना चाहिए समाज मुद्दों पर, आपका इमोशन इंटेलिजेंस आपका एक पार्ट है उसके अंदर कि आप इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, दूसरे के इमोशंस को कैसे समझें। तो ये सारी चीजें आपको करना आप सीख सकते हैं और ये आपके करियर में भी आपको काम में आएगी, प्लस आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका अच्छा खासा यूटिलाइजेशन है। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज का एक और फेमस सब्जेक्ट है लॉ। ठीक है, लॉ की तरफ अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके, मतलब बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो एज लॉ एज एन ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आप एडवोकेट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, ये सारी एग्जाम्स आपके करियर ऑप्शन के लिए अच्छी रहेंगी। सर, मतलब मुझे लगता है कि लॉ बच्चा कॉमर्स लेने के बाद भी कर सकता है, पर इफ अ स्टूडेंट टेक्स ह्यूमैनिटीज वो एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेगा जो शायद उसकी लॉ प्रैक्टिस में उसे और हेल्प करेगा, जहां तक सर मैं समझ पा रहा हूँ। कॉमर्स जो है थोड़ा सा अलग फील्ड हो जाता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विद लॉ, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के साथ में अगर या साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में अगर आप लॉ परस्यू करेंगे आगे जाकर के कॉलेज में, तो दैट विल बी मच मोर कनेक्टेड विद योर स्कूल नॉलेज, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा।
ठीक है, तो लॉ भी परस्यू करते हैं लोग, ठीक है, वो अच्छा आपके लिए करियर ऑप्शन आगे जा करके हो सकता है। इसके अलावा दूसरी फील्ड्स भी हैं, जैसे कि आप एंथ्रोपोलॉजी एज एन सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके कॉलेज टाइम में, या उसके एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसा करियर ऑप्शन आप परस्यू कर सकते हैं आगे जा करके। एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर ओन ओरिजिन, अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ ट्राइब्स, अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर, उनकी स्टडी करना। तो ये एक मॉडर्न फील्ड है, मॉडर्न साइंस है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अभी रुचि दिखा रहे हैं बेसिकली। मतलब अमित सर, मैंने एक मूवी देखी थी द मम्मी रिटर्न्स, जिसमें वो लोग पुराने पिरामिड्स और ये सब को एक्सप्लोर करते हैं, और बड़ा रिलेट कर पाता था मैं कि कितना मजा आता होगा उन लोगों को। और आज मुझे शायद पता चला कि ये करियर ऑप्शन भी बन सकता है। बिल्कुल, ये करियर ऑप्शन है। आप हिस्ट्री को ले लीजिए, हिस्ट्री में भी आप अच्छे खासे करियर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। जैसे जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो अपना करियर ऑप्शन के तौर पर हिस्ट्री को परस्यू कर सकता है। हिस्टोरियंस, आप एज एन हिस्टोरियन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट एक अच्छा ब्रांच है उसी चीज में, जब आप एंथ्रोपोलॉजी परस्यू करते हैं या फिर आप हिस्ट्री परस्यू करते हैं, तो आप यू कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट मेड इट पॉसिबल कि हम इंडस वैली के बारे में जान सकें। तो एज एन हिस्टोरियन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर आपको एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के फील्ड में जाकर के आप आर्कियोलॉजी एज ए करियर भी परस्यू कर सकते हैं, और वो भी एक मॉडर्न फील्ड है। जैसे आपने एनसीईआरटी की किताब आपने सुनी होगी, आर एस शर्मा साहब ने लिखी है, इज अ रिनाउंड हिस्टोरियन, ठीक है। पुरानी जो एनसीईआरटी की एंशिएंट इंडिया की किताब जो है आप देखेंगे, आर एस शर्मा वाज द राइटर, इज अ रिनाउंड हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। इसके बाद रोमिला थापर मैडम की किताबें चलती थी, इज ऑल्सो रिनाउंड हिस्टोरियन एज वेल एज अ राइटर। तो राइटर तो आप कभी बन ही सकते हैं अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में जाना है तो, ठीक है। इसी के साथ में मैं थोड़े एग्जाम्पल्स, जैसे पॉलिटिकल साइंस में हमने थोड़ा सा कम एक्सप्लोर किया, तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए आप कि पास्ट, आप जब रशियन रिवॉल्यूशन या फिर आप रेनेसा पढ़ते हैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो आपको रूसो नामक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, आपको लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जानकारी मिलती है। ये लोग क्या थे? ये लोग वो लोग थे जिन्होंने नई नई पॉलिटिकल फिलॉसफीज से हमको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। मिडिवल टाइम्स में डेमोक्रेसी नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब चीजें क्या होती है इनके बारे में लोगों को जानकारी कम थी, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन ये लोग वो चीजों को सामने लेकर के आए और इन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट दिए। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में भी आगे अभी और चलेगा कि नया और क्या भी हो सकता है। जैसे अभी हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का हमारा वोटिंग सिस्टम है हमारी डेमोक्रेसी में, जिसको हम बोलते हैं सूडो डेमोक्रेसी, क्योंकि उसमें सिर्फ 50% प्लस वन अगर किसी को वोट मिल जाए तो वो पास हो जाता है और वो मतलब आप उसको चुन लेते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 50% प्लस वन की वजह से हम बाकी 49% जो है उसके लिए सफर करें। तो हो सकता है कि इसमें कुछ और इनोवेशन आए जिसमें और ज्यादा लोगों की मत जो है उसके अंदर, या और ज्यादा लोगों का विल हम उसके अंदर लेकर के आ पाए और एक नया इलेक्शन सिस्टम हम कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे रोचक चीजें हैं जिसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते रहते हैं, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए है। इसके बाद एक ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी के बाद में आप ज्योग्राफर बन सकते हैं। मौसम किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बदलते हैं, ये सब चीजें आप जब ज्योग्राफी में नॉलेज लेते हैं और इसको आगे करियर ऑप्शन के तौर पर परस्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। करियर ऑप्शन अच्छे खासे अवेलेबल है ज्योग्राफी एज अ फील्ड में भी। मतलब सर, मुझे लगता है न्यूज एंड मास्कॉम जैसी फील्ड भी काफी ह्यूमैनिटीज से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। अगर आप 10th के बाद से आप उस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ऑप्ट कीजिए आगे जाकर के। आपको जर्नलिज्म के जॉब्स, जैसे आपने रवीश कुमार जी का नाम सुना होगा, इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं अभी तक। दो उनके क्रिटिक्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्रिटिक करते हैं, इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके ऊपर हमला करती रहती हैं, लेकिन नो डाउट ही इज अ गुड नेम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और वर्ल्ड लेवल पर रिनाउंड है, ठीक है। तो जर्नलिज्म की फील्ड में भी यू कैन हैव अच्छा करियर हो सकता है वहां पर भी, आप अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं तो वो भी एक अच्छा फील्ड आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए है। सर, मतलब अभी तक मुझे ह्यूमैनिटीज, दैट इज आर्ट्स, बेसिकली इट्स एन आर्ट, राइट? तो सर, मुझे अभी तक आर्ट्स लगता था कि आज अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहूंगा कि आई एम गोइंग टू परस्यू आर्ट्स, तो शायद वो मुझे थ्री इडियट्स का वो सीन दिखा देते कि सिंपल भाषा में समझना है तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन करो, जो कि मेरे लिए शायद एक इंसल्ट थी। पर सर, आज मुझे पता चला कि ये तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इफ आई एम वेरी गुड इन दीज सब्जेक्ट्स एंड अगर मेरा रुचि आर्ट्स में है, तो क्यों मैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड कॉमर्स की तरफ जाऊं? सर देखिए, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि पुराने समय पर पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स का भी यही मत था कि आर्ट्स एंड कॉमर्स एक वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता सिर्फ डिग्री के लिए।
लेकिन आप देखिए वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े लोगों के नाम आप जानते हैं, ऑल आर समवट रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ओनली। सर का नाम सुन लीजिए। यस सर, मैं यही बोलने वाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हूँ, तो मनमोहन सिंह राजन का नाम सुन लीजिए, ही इज आल्सो अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड लेवल पर रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है। एंड ऐसे बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ठीक है, जो उस फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो अ फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज ओनली, है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो अ फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो आप ये इंजीनियर्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इन फ्यूचर जाकर के एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे ही काम करना है। आप अगर कोई हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में जो हेड है इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, भले वो डॉक्टर के साथ में एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो हो सकता है। आप कोई इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहे हैं तो ऊपर आपके एमबीए ही बैठा होगा, नीचे इंजीनियर्स फ्लोर पे जॉब करेंगे, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, तो हो सकता है कि सैलरी उनकी डिफरेंट हो, सब चीजें डिफरेंट हो, लेकिन मैनेजर का एक पोस्ट जो है वो एमबीएस के लिए होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा, तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। बड़े बड़े लोगों के आप नाम सुनेंगे इस फील्ड में। इसके अलावा करियर ऑप्शन के तौर पर हमारे पास सरकारी नौकरियां तो है ही। आप पढ़ाने सर, मेरा एक हमेशा से डाउट रहा है जो शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का भी रहा, सर क्या ह्यूमैनिटीज का एंड यूपीएससी एमबीपीएससी होता है? क्योंकि 90% स्टूडेंट जो यूपीएससी या एमबीपीएससी की तरफ एस्पिरेंट होता है वही ह्यूमैनिटीज लेता है। तो हमारे व्यूअर्स को शायद इस वीडियो से एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ह्यूमैनिटीज और एमबीपीएससी दोनों 100% कनेक्टेड नहीं है। सर कनेक्टेड है, उसमें हम नकार नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज लेने के बाद सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाइए। बहुत सारे करियर ऑप्शन जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट लेने के बाद भी, ठीक है। एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर और कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी, ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं जो कि आप ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट लेने के बाद में उसके उसके लिए आप जा सकते हैं, उन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं और सिविल सर्विस की तरफ या कोई भी सरकारी नौकरी की तरफ आप जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर एमए कर ले, बीए करने के बाद एमए भी आप परस्यू कर लेते हैं, उसके बाद में यू हैव ऑप्शंस फॉर नेट, ठीक है, आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं सरकारी कॉलेजेस में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं, पर सरकारी नौकरियों के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो डिमांडिंग आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स फॉर देयर पर्पसेस। जैसे हमने एक बात करी थी अभी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की, कि बिजनेस एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, ये जो जॉब्स हैं ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जानना इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अ बिजनेस। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट से अच्छा मार्केट का बिहेवियर कौन जान पाएगा? क्या इंजीनियर जान पाएगा बिहेवियर? नहीं। साइकोलॉजी के साथ में अगर आपने कुछ और जानकारी, बेसिक जानकारी आपके प्रोडक्ट की आपके पास है, तो उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट का बिहेवियर क्या है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे से जान पाएगा। इसीलिए बिजनेस वाले भी जो है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वालों को उन फील्ड्स के लिए, उन पोस्ट के लिए चाहते हैं। लेकिन दो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर दूसरे कॉलेजेस में जहां से हम बीए परस्यू करते हैं बिल्कुल सीरियसली नहीं करते, इसलिए फिर हमारी स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाती। आप सीरियसली कीजिए, स्किल सेट डेवलप कीजिए, आपके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज फील्ड में बहुत सारी हैं, अपार अपॉर्चुनिटीज है। मतलब सर, मशीन से प्यार हो तो साइंस ले लो, पैसों से प्यार हो मतलब गिनने वाला तो कॉमर्स ले लो, और इंसानों से प्यार हो तो ह्यूमैनिटीज ले लो। मतलब सर, पैसा तो इंसान कहीं भी कमा सकता है इफ ही इज बेस्ट, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। सर पैसा तो मेरे हिसाब से एक सेकेंडरी चीज है, आपका वर्क सेटिस्फेक्शन इज योर प्राइमरी थिंग। अगर आपको इंटरेस्ट साइंस में नहीं है और आपके पेरेंट्स आपको पुश करके साइंस की तरफ धकेल रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको नई नई चीजों के, ज्योग्राफी के नए नए प्रिंसिपल्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, आपको एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, ठीक है, इट इज ऑल्सो न्यू फील्ड नाउ, ठीक है, आपको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है, आपको लोगों को जानने में इंटरेस्ट है, लोगों कल्चर को स्टडी करने में इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि उनके नाम नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियंस भी रहे हैं, ठीक है। एलपी विद्यार्थी जी का एक रिनाउंड नाम है जिन्होंने बहुत सारी चीजों में काम किया है, नेहरू जी के साथ मिलकर के भी काम उन्होंने किए हैं, ठीक है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नेहरू जी के साथ मिलकर के 5 ईयर प्लान्स और ट्राइबल पंचशील योजनाओं में काम अपना योगदान दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उनके नाम नहीं होते या फिर वो बड़े ओहदे पे नहीं जाते। आप अपने इंटरेस्ट को अच्छे से परस्यू कीजिए, भले वो कोई सी भी फील्ड का हो, ह्यूमैनिटीज का हो या साइंस का हो, आप बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच अनंत सर, मतलब आज मुझे ह्यूमैनिटीज के इतने फंडे क्लियर हुए जितने अभी तक क्लियर नहीं थे, और मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के ये सारे डाउट्स छोटे छोटे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। सो बच्चों, अब अगर पेरेंट्स कभी भी कहे कि ह्यूमैनिटीज इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पढ़ना, तो हमारा ये वीडियो
YouTube पे अवेलेबल है, बिल्कुल इसे पेरेंट्स को दिखाएं, पर इसके पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।